आज वीडियो में स्वागत है। और आज वीडियो में लेकर आए इसका टाइटल है पांड्यास ब्लॉग एपिसोड 4 WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शर्मनाक हार फीचर्स प्रतीश मेहता। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। गुड मॉर्निंग टू ऑल द पीपल ऑफ बारबाडोस एंड बरोडा। गाइस, ब्लॉग आने में थोड़ा टाइम लग गया ना, सॉरी। वो आईपीएल में बिजी था ना। अरे अभी आईपीएल के चक्कर में आईसीसी ट्रॉफीज नहीं आ पा रही है, ब्लॉग कहां से लाता। गाइस अच्छा गैस करो आज मैं कहूँ। अरे लंदन अपने माई भाई ने भेजा है कि अपने जितने प्लेयर्स है ना, इन सबको सीधा लेके माई भाई के फार्म हाउस जाना है। अरे तभी तो रहने और जड्डू की तरह परफॉर्म करेंगे ना। यो अरे अभी लंदन आया ना गाइस, तो एक और चीज़ पता पड़ी, अपना बीके लेना यही रिकवरी ले रहा है, तो मैंने सोचा उससे मिलता चलूँ। मिलोगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ए बीकेल से आए। हाय इंडिया। गाइस डॉक्टर्स का कहना है कि अपना बीकेल ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है, इसलिए मैंने इसकी दूसरी टांग भी तोड़ दिया। दिया। डोंट वरी गाइस, वर्ल्ड कप तक सेफ है अपन। चलो चलो ड्रेसिंग रूम लेके चलता हूँ। इधर है कैमरा मैन अपना। ए ए चल, ए बच्चों से क्या कर रहा है, चलना वीडियो बनाना है। अच्छा चलो गाइस, लव यू। क्या यार तुम लोग, नहीं होता तो बताने का ना, तुम लोग को पहले ही बोला था हम दूसरे देश में, इंग्लिश कंडीशन है, वेदर ओवरकास्ट है, अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो लंबा नहीं टिक पाएगा, हो गया ना धंधा। रोहित भाई यार रोहित भाई आपने ऐसे ट्वीट पे रिटायरमेंट ले लिया। खैर कोई नहीं, हर कोई माई भाई थोड़ी होता है जो रिटायरमेंट से पहले आईसीसी ट्रॉफी जीता है। अरे वो मैंने, वो किसी ने फेक अकाउंट से ट्वीट किया था, मैं नहीं ले रहा रिटायरमेंट। सीरियसली मैंने भी पढ़ा था। अच्छा, इतनी मुश्किल से इंडिया में एक खुशी आई, सबसे वो मत छीनो प्लीज। आप आईसीसी ट्रॉफी तो जिता नहीं पाए, कम से कम ये रिटायरमेंट की खुशी तो हमसे मत छीनो। हाँ प्लीज रोहित भाई प्लीज। गाइस गाइस आप पेंशन मत देना, मैं कुछ करता हूँ। विराट भाई, ओ विराट भाई, अरे वहाँ चुपचाप बैठे हो, कुछ बोलो ना विराट भाई। आजकल विराट भाई बोलते नहीं, स्टोरी डालते हैं। विराट भाई लिखते हैं, Silence is the great source of strength. Let it go. तो वो जो 80 फीट दूर बॉल आई थी उसको भी let it go करना था ना, वहाँ का भरा रहते आप जाके। अरे गाइस 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 देखो कौन है, अश्विन अन्ना, वर्ल्ड का नंबर वन टेस्ट बॉलर, जो टीम में नहीं था, पानी पिला रहा था, इंजर्ड होगा नहीं? हेल नहीं। तो फिर तो कोई बहन का पकोड़ा बवासीर बैल बुद्धि ही होगा जो इनको टीम से बाहर रखेगा। एंट्रा एले चेपोले है, नहीं चेपोले चेपोले, हिंदी टीम में था, मैं गल्ले ने इंपैक्ट प्लेयर बना के साइड में बिठा के रखा था। अरे वो आईसीसी और आईपीएल में थोड़ा ये हो गया रे, मिक्स हो गया, इतना मिक्स हो गया रोहित भाई कि आपको ये उमेश और अन्ना के बीच में अंतर नहीं मालूम पड़ा। क्यों लिया इसको? मैं भी आधे घंटे से यही पूछ रहा था क्यों लिया मुझे, अच्छा खासा धूप में गन्ने का रस बेच रहा था, यहाँ पे बुला लिया। तू बैट्समैन है ना, कितना रन किया तू? बैट्समैन मैं तो मिस्त्री हूँ हार्दिक भाई, ये रोहित भाई के घर का काम चल रहा था, उधर मैं ईटा पकड़ते हुए इन्होंने देख लिया, आके मुझे पूछा बॉल पकड़ेगा, हाँ पकड़ लूँगा, और फिर मैं इधर आ गया। गाइस अब आप ही कमेंट करके बताओ कि इसकी बैटिंग ज़्यादा खराब है या एक्टिंग। चल बैठ, एक भी काम का। अरे बंद, अब तो शर्म कर ले बुमराह। रोहित भैया मेरा बैठ दो, मेरे को बैटिंग करनी है। ए, 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 भाई तू क्या कर रहा है? हार्दिक भैया जो इनसे नहीं हो रहा वो करने आया हूँ मैं। रोहित भैया आपको अगर यही टीम बनानी थी तो मेरे को ही ले लेते। आपको पता है ना कंगारू बस दो ही चीज़ों से डरते हैं, पंत की बैटिंग और विराट भाई की स्लेजिंग, इस बार दोनों ही नहीं हुआ। अरे पंत तू फिट नहीं था रे,
रोहित भाई फिटनेस की बात आप तो मत ही देख पास तू मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकता। मेरे पास 5 आईपीएल ट्रॉफी है। आईपीएल ट्रॉफी बफर हां बोलो ऐसा नहीं है। वी ट्राइड आवर बेस्ट। मैं मुंबई को 10 से 3rd लाया ना, इंडिया को भी ले आऊंगा। अरे इंडिया को 3rd पे लाने की जरूरत क्या है, हम ऑलरेडी 2nd पे। आप इंडिया को 1st पे ले जाने का क्यों नहीं सोचते हो? क्योंकि वो इनका सपना नहीं है। क्यों रोहित भाई? और ये क्या मुंबई चेन्नई लगा रखा आपने? ये आईपीएल की वजह से ना हम सबका गेम खराब हुआ है। हम प्लेयर्स भी दलाल बन के रह गए जिनके नाम पे बस प्रोडक्ट बिकते हैं। चेन्नई जीत गया, मुंबई जीत गया, अरे भारत तो हार रहा है ना रोहित भाई। शर्म आनी चाहिए आपको कि कैप्टन अब भी आप ही हो। जल्दी से जरा, फिर मैं तेरे को बताता हूँ। फेंटी पापा जी वो चुप चूतिया पटला। आईपीएल में तो बहुत मार रहा था, लेकिन इधर क्या हुआ तेरे को? अरे पापा वो अंपायर ने आउट कर दिया, वरना मैं पक्का सेंचुरी मारता। अरे चुप, तू 90 पे नर्वस था। नर्वस 90 पे नहीं मेरे। सॉरी पापा जी, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल नहीं। अच्छा वो सब छोड़ रहे, तू बोल। पेंसिल बोल, पेंसिल पेंसिल। तेरी शादी कैंसिल। अच्छा अच्छा ठीक है, देखना गाइस करुण अखिल अगली बार पक्का सेंचुरी मारेगा, है ना? अखिल एक बार बोलना कड़वा। अरे नहीं नहीं मुझे पता आप क्या बोलोगे। समझ गया, वही है। चलो चलो अब माही भाई के पास चलो। चलो 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 रोहित भाई चलो। ओ माही भाई गुस्सा तो नहीं? अरे नहीं नहीं रोहित भाई, ना आपसे माही भाई गुस्सा है, ना आपसे देश गुस्सा है, क्योंकि अब हमको आपसे उम्मीद ही नहीं। अरे वो एक मैच था, 3 होते तो। हाँ 3 होते तो, अभी माही भाई बताएंगे, 3 होते तो आप तब फाड़ेंगे वो। हाँ डालो डालो, गिल को डिक्की में, गिल को डिक्की में। अरे ये भरत को उतार देना रास्ते में। गाइस माही भाई ने स्पेशल सिक्योरिटी भेजी ताकि अपने प्लेयर्स इधर उधर ना निकल जाए। हार्दिक भाई सबको भरवा दिया गाड़ी में, भरवा दिया है ना। तो गाइस ये ब्लॉग यही खत्म करते हैं, सारे भाई लोग गाड़ी में आ चुके हैं और गाड़ी अपना भाई चलाएगा। मतलब भाई क्रिकेट से रिलेटेड जब वीडियो देखते हैं ना, तो उसे देख के मुझे भी ना फील होता है कि मुझे भी जो है ना क्रिकेट जो है वो देखना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती हैं जो मुझे पता नहीं चलता कि क्या जो है उस टाइम पे हुआ होगा। लेकिन जो है भाई क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोज़ देखने का ना मज़ा अब आना मुझे शुरू हो गया है। अच्छा वैसे शुक्र है, मुझे वैसे तो समझ आ रहा थी ये स्टोरीज़ के बारे में कि क्या क्या इंसिडेंट्स हुए होंगे, लेकिन हाँ जो स्लैंग में चीजें यूज होती है मुझे, मैं उसमें काफी ज्यादा चूक जाती हूँ, जैसे मौतों को समझ लग जाती है मुझे। बट एक चीज है भाई, मैं तो ये सोचती हूँ कि वर्ल्ड कप आने वाला इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है भाई, तो हम लोगों ने भी एक दिन बैठकर ऐसे एक वीडियो देखनी है। सो लेट्स सी क्या होगा उस टाइम पर। बड़ा डर लगता है भाई क्रिकेट मैच में कुछ भी होना, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि टेस्ट मैच में सही प्लेयर्स के बारे में पता चलता है कि मतलब वो कितने अच्छे क्रिकेटर्स हैं। तो ठीक है, आई थिंक जीत हार जो है वो एक गेम का हिस्सा होता है। वैसे मैंने टेस्ट मैच नहीं देखा था, लेकिन ये कि जब टेस्ट मैच हारा है इंडिया, सो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो गुस्सा भी हुए और लोगों ने बहुत सारी बातें भी की। तो मुझे लगता है कि ये शायद मुझे आइडिया नहीं है कि वाकई में इंडियन क्रिकेट टीम है उन्होंने एफर्ट की या नहीं की, या वो अच्छा खेले या नहीं खेले, बट ये जो एक सिचुएशन बनाई गई थी उससे मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। हाँ ड्रेसिंग रूम में जिस तरह के नाम लेते हैं वो सारी सिचुएशन जो है एक बयां की गई थी, जैसे एक को गन्ने वाला और एक को मिस्त्री जो है वो दिखाया गया, तो उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि परफॉर्मेंस जो है उस तरह नहीं दी गई जिस तरह जो है आपको आईपीएल में या बाकी मैचेस में जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन उसके बावजूद जो है ना मैच जैसा मर्जी जा रहा हो ना, आपको देखने का मज़ा जो है ना वो आता है। खासतौर पर फिर मैं वही अपने वाली बात करूंगा, एंड वाले ओवर जो है ना जहाँ पे मैच फंसा हुआ हो, ठीक है ना, वो देखने का आपको बड़ा मजा आता है, क्योंकि दिल की हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज होती है, आपको नहीं पता भाई ऊंट जो है कब किस करवट जो है वो बैठ जाएगा, तो उस सिचुएशन में बड़ी मजे की लगती है। मुझे टेस्ट मैच ऑनेस्टली मैं बताऊं मुझे इतना देखना पसंद नहीं है, हालांकि क्रिकेट मुझे अच्छा लगता है क्योंकि टेस्ट मैच काफी स्लो जाते हैं, तो इस वजह से टाइम बहुत ज्यादा लगते हैं ना वो।
अब अभी हम लोगों को ज्यादा क्योंकि काफी अब ट्रेंड चेंज हो गया है, तो इस वजह से हम लोगों को भी ज्यादा मजा आता है कि जल्दी जल्दी मैच देखें और खत्म हो जाए. बट जो एक्चुअली में क्रिकेट लवर्स हैं उनको टेस्ट मैच देखने का बहुत मजा आता है, नो दैट. और इसमें जैसे हम लोग बात करें कि सचिन जी वाली जो वो ही बात करने लगी थी कि शुभमन गिल, मैंने लास्ट टाइम में भी शुभम बोल दिया था, शुभमन गिल जी की बात करें तो वो मुझे थोड़ा सा समझ आ गया था क्योंकि ऐसी आई डोंट नो कि ये रूमर्स हैं कि बाकी में जो सचिन सर की बेटी हैं सारा उनका और जो शुभमन गिल हैं उनकी, हाँ उनके बारे में रूमर्स थी. सो अब वो मुझे नहीं पता कि वो सही हैं या नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसके अंदर यू नो वो एक सिचुएशन बनाई गई वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी. अच्छा वैसे क्या नाम लेते हैं, अगर जो पांड्या जी बनाए गए हैं ना जेंदी, वैसे तो बहुत परफेक्ट उनका रोल है, लेकिन वो भी चीज़ों को जिस जहाँ पे वो क्या नाम लेते हैं रोहित शर्मा से बात कर रहे थे, वो जो आए थे क्रिकेटर जिन्हें फिटनेस पे ध्यान, हाँ तो ऋषभ पंत एक्सीडेंट हुआ था ना, तो फिट कहा कि तुम फिट नहीं हो तो अगर आपको फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए तो यानी कि बात नहीं, फिटनेस की बात नहीं करनी चाहिए. फिर उसके बाद जैसे वो क्या नाम आगे जैसे चपेट मार के वापस आते हैं और फिर वहाँ पे जो रोहित के एक एक्सप्रेशन दिखाए हुए हैं, ठीक है ना, वो बड़े मजे की चीज लगी है. लेकिन ये कि मैंने भी ट्वीट पढ़ा था कि रोहित शर्मा जो है वो आई थिंक सिर्फ टेस्ट मैच जो है उनकी कैप्टेंसी से उन्होंने रिटायरमेंट ली है. सो अब पता नहीं कि बाद में क्या हुआ है, अगली वाली सिचुएशन मुझे नहीं पता, बट ओवरऑल मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे लोग जो है वो गुस्सा भी हो जाते हैं कि IPL में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होती है, बाकी जगहों पर इतनी ज्यादा नहीं होती. पर मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेटर्स तो हमेशा यही चाहेंगे ना कि वो लोग जीते, वो क्यों करेंगे कि मतलब हम जो है वो क्या सोचा, अभी देखिए जैसे फाइनल में अगर पहुंच गए दोनों तो हाँ. वहां पर किसी एक ने तो जीतना है, किसी एक ने हारना है. सो मुझे लगता है कि एफर्ट्स अगर दिखती है ना तो फिर गुस्सा नहीं होना चाहिए, और अगर एफर्ट नहीं दिखती तो फिर वाकई में गुस्सा होना. और एक और चीज जो है ना, जो मैंने क्रिकेट में एक चीज यानी कि इतनी ज्यादा मैंने नहीं देखी, लेकिन एक चीज जो मैंने रियलाइज की कि भाई पिच का भी जो है वो बहुत ज्यादा फर्क जो है आपको देखने को मिल रहा है. जैसे ऑस्ट्रेलिया की जो पिच जो है वो माना जाता है कि वो काफी ज्यादा डेड टाइप है, इतनी ज्यादा अच्छी पिच नहीं है, तो जो वहाँ के लोकल प्लेयर्स हैं वो जिस तरह वहां पर खेल सकते हैं तो बाहर वाले जो हैं वो जरा थोड़ा सा यू नो फर्क आ जाता है इस चीज का भी. यही तो आपकी स्किल्स होती है ना कि आप हर तरह की पिच पे कैसे आप परफॉर्मेंस देते हो, यही तो गेम होती है खेलने वाली. अब अपने मुताबिक तो पिच कहीं पर भी नहीं ना बन सकती, ये भी बात सही है. खैर एनीवे गाइस, आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कितना गुस्सा आया या आप लोगों को क्या लगा कि गुस्सा जो है वो करना जायज है या नहीं जायज है, मतलब कि परफॉर्मेंस जो थी वो अच्छी थी या नहीं थी, ज्यादा अच्छी थी, वो भी जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में. और इसी के साथ गुड बाय.